हेलो, मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से। आपका मेहा में स्वागत करती हूँ। आज मुझे मेरे कुछ टमाटर के जो सीडलिंग बड़ी हो गई हैं, तो मुझे बड़े उसमें शिफ्ट करना है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मिट्टी भी कम है और खाद, तो जैसा मैं करती हूँ वैसा शेयर करने जा रही हूँ। पहले ये देखिए, मेरी गुलदावरी अच्छी सी ब्लूमिंग हो रही है, और ये मेरा हिबिस्कस हाइब्रिड वाला, ये देखिए, और कलियों से भरा हुआ है इसका। ये देखिए, इसकी जो पेटल है बिल्कुल वेलवेटी टाइप की लगती है। और ये है, और ये इसका कलर देखिए ईट जैसा लगता है। ये अभी पूरी अच्छे से नहीं खिल पाया है, इसका फ्लावर बहुत बड़ा होता है, ये अभी अच्छे से खिल नहीं पाया है। और ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अपने टॉपिक पर आती हूँ, टमाटर। उसके पहले ये मेरे टमाटर देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके टमाटर क्या पक गए हैं, तो मेरे नहीं पके हैं। अब मैंने फर्स्ट टाइम ये ग्रो किए भी हैं, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कितने समय में पकते हैं, देखते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए, ये सीडलिंग मैंने 15 दिन पहले इसमें बीज ग्रो किए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसके लिए देखिए मैं बकेट तैयार कर रही हूँ। ये देखिए तैयार हो गया है, ये तैयार हो गया है। इसमें मैंने ऐसे ही किया, देखिए नीचे हल्की सी मिट्टी डाली और अपना किचन का सारा सामान, जो भी सामान मतलब लौकी तुरई के छिकले जो भी होते हैं, गोभी वोभी के, सब मैं भरती जा रही हूँ। ये देखिए पाइनएप्पल का ये है, तो ये सब सड़ जाएगा मिट्टी में। ऐसा ही ये मैंने फिल किया है, और इन सब में मुझे अब ये टमाटर का पौधा लगाना है। जब मैं लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए के बाय।